प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री यमुना जी श्री नाथ जी प्राचीन पुष्टि मार्गीय मंदिर का दर्शन करेंगे। यह मंदिर हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के गोकुल में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। यह मंदिर बेहद पवित्र, दिव्य और प्राचीन माना जाता है। जहां कृष्ण हैं वहीं यमुना जी हैं, वह कृष्ण की तरह हैं। कृष्ण यमुना जी के समान काले हैं। कृष्ण राजाओं के राजा हैं तो यमुना जी रानियों की रानी हैं। यही पुष्टि मार्ग की मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के यमुना तट पर हुआ था। उन्होंने यमुना तट पर गोकुल में अपनी बाल लीला की। उन्होंने वृंदावन में अपनी रास लीला की और कालिया का वध किया। वह पानी में गोपियों के साथ खेला करते थे। यमुना जी को श्री कृष्ण बेहद प्रिय हैं, इसलिए वह श्री कृष्ण की प्रिय हैं। श्री कृष्ण यमुना के स्वामी हैं और यमुना जी कृष्ण की स्वामी नहीं हैं। इसीलिए दोनों ही वैष्णव प्रिय हैं। कृष्ण यमुना के मनमोहन हैं। यमुना जी पवित्र और पवित्र होने के लिए धरती पर आई हैं। वह नियामक की बहन है जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखती हैं। श्री यमुना श्री नाथ जी के चौथे तत्व हैं। श्री यमुना सूर्य की पुत्री और यम की बहन है। वह यम और प्रकाश की बुराइयों से मुक्ति का प्रतीक है। यमुना जी पुष्टि मार्ग की इष्ट देवी हैं। उनका दूसरा नाम कालिंदी भी है। वह सूर्य की पुत्री हैं। वह कृष्ण की चौथी पटरानी हैं। श्री यमुना जी सूर्य नारायण के हृदय से निकली थीं और कालिंदी पर्वत पर उतरी थीं। वह अपने शिष्यों के लाभ के लिए, भक्ति भाव के लिए पृथ्वी पर आई थीं।